आज बुधवार को मोतिहारी में 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण सह उत्पादन मेला का उद्घाटन मोतिहारी जिले के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता ओम प्रकाश गुप्ता वहां मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं जिला अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक। एग्रीकल्चर किसान क्रेडिट कार्ड योजना को टैग करने की योजना जो है यहाँ पे ली गई है। आप सभी को ज्ञात है कि टोटल एप्लीकेशन जो है मोतिहारी ज़िले में 4,57,368 प्राप्त हुआ है। इसमें जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के द्वारा एक्सेप्टेड है 4,02,702 आवेदन प्राप्त है और ADM जो है फाइनल अथॉरिटी है जिसको जो एक्सेप्ट करते हैं तो 3,46,313 तो 6,000 रुपये का जो अनुदान है PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सीधे किसानों के इसमें 3 इंस्टॉलमेंट 2,000 के इसमें जा रहा है। परंतु एक नई योजना जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से लागू की जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड जो हम देते हैं किसानों को तो उसको अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जो है हम टैग कर रहे हैं। तो अभी जो है बैंकर्स के साथ हमारी बैठक हुई है, पूर्व के जिला पदाधिकारी महोदय ने भी इस पर काम किया था, जिला कृषि पदाधिकारी ने भी। तो 14,338 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक किया है। 1,60,000 तक जो है क्रेडिट लिंक तक LPC जो है मैंडेटरी नहीं रखा गया है क्योंकि इसकी सारी जांच जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हम करते हैं तो CO के स्तर से भी होती है, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर भी करते हैं, जिला कृषि कार्यालय भी करता है और अपर समाहर्ता भी जिला स्तर पे करते हैं तो ये होती है। तो इसका एडवांटेज ये है कि जो हम विजन रख रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम हमको दुगना करना है या पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत भी जो है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर है वो सब का जो राशि चाहिए, इनपुट चाहिए, वो किसान क्रेडिट कार्ड से हम दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ही अगर जो मोतिहारी ज़िले के ही हम बात करें, अगर 4,00,000 हमारे किसान यहाँ पे रजिस्टर्ड है, आवेदन दिए हैं, अगर उन सबको जो है अगर 1,00,000 के करीब भी जो है अगर किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है तो लगभग 400 करोड़ के करीब की राशि जो है मोतिहारी ज़िले में जो है इन्फ्यूज़ हो सकती है कि जो किसानों के लिए और खेती के लिए उपयोग में ला सकती है। और जो हम ध्येय रखे हैं कि रेनबो एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर के सभी क्षेत्र, वो मत्स्य पालन हो सकता है, उसके बाद जो डेयरी इंडस्ट्री है, कुक्कुट पालन है, एपिकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर जो है उसको भी जो है इससे बढ़ावा मिल सकता है। और मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से जो है किसान लोग इसका लाभ ज़रूर लेंगे। जो रजिस्टर्ड नहीं है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, और जो रजिस्टर है वो KCC का जो कार्ड है वो इसके साथ टैग करने की जो कार्रवाई चल रही है बैंक्स में वहाँ पे आवेदन दे। अगर किसी को कोई कठिनाई आती है तो जिला कृषि पदाधिकारी है, LDM है और जिला पदाधिकारी है, इनके यहाँ पे वो संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।